Hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. आज का जो व्लॉग है वो मेरे बर्थडे का व्लॉग होने वाला है और सुबह बिल्कुल हो चुकी है, धूप भी निकल चुकी है, मैं रेडी हो चुकी हूँ. पहला स्लॉट मैंने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद मैं रेडी हो गई थी मंदिर जाने के लिए, क्योंकि मैं हर साल अपने बर्थडे के दिन मंदिर जाती हूँ. और ये कुछ फूल मैंने बालकनी से तोड़े हैं और जाऊँगी अभी मंदिर. पहले तो मैंने छोटा सा लिया लोटा फिर लगा कि नहीं यार ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, तो फिर मैंने बड़ा ले लिया और उसमें ये सदाबहार के फूल मैं सजा रही हूँ. और फूलों के साथ साथ मैंने इसमें गंगा जल मिलाया और कुछ गुड़ के टुकड़े. मंदिर जाने के लिए मैंने पहन ली है चप्पल और अब चलते हैं मंदिर. और मैं इसके साथ साथ आपको मंदिर जाने का रास्ता भी दिखाऊंगी, जो कि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, लगभग 200 मीटर की दूरी पर होगा शायद. ये वही रास्ता है और यहाँ पर गौ माता भी किसी ने बांधी हुई है, पाल रखी है किसी ने, तो उनको भी नमस्ते करके चलते हैं. ये है मंदिर का गेट, काफ़ी बड़ा मंदिर है. और अब तो जैसे जन्माष्टमी भी आ रही है तो उसमें मंदिर में छोटे छोटे बच्चे प्रोग्राम करते हैं और अच्छा लगता है यार. काफ़ी हमारी संस्कृति है, उसको कंटिन्यू करके रखना चाहिए और हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए. सरस्वती माँ से आज प्रार्थना की है कि सद्बुद्धि देना माता और सुरों का संगीत भी देना. मेरी पूजा हो चुकी है और अभी मैंने ले लिया है प्रसाद और फिर अब मैं जा रही हूँ घर की ओर. घर पे जाके मैंने ब्रेकफास्ट किया, जिसमें कि आज बने थे सैंडविच जो कि मैंने ही बनाए थे, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वो ये बोल रही है कि नहीं आज तुम्हें ही बनाने हैं क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है. मैंने कहा चलो ठीक है यार बना देती हूँ मैं, लेकिन जो उसका स्टफ़ है वो तो कम से कम रेडी कर दो. तो ये सब करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में अपने. और उसके बाद मैंने हिस्ट्री ही पढ़ा है और ये कुछ नज़ारा है कड़कती धूप का जो कि आजकल कुछ ज़्यादा ही है. एक टाइम ऐसा था कि बारिश ही बारिश हो रही थी और मुझे अपने मतलब स्कूल में जाते हुए इतनी दिक्कत हो रही थी मैं बता नहीं सकती हूँ. और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, वो भी तक सूखा नहीं है, तो वो जगह ना वहाँ पे पानी थोड़ा सा भरा हुआ है. एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी है, एक साइड का जो तालाब वाला था सीवेज वाला पानी वो अब तक नहीं सूखा है, और जब बल्कि उसमें ना बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि वहाँ पे एक छोटी सी बस्ती टाइप बसी हुई है, तो उसका जो घरों से निकलता हुआ जो गंदा पानी है वो सारा उस तालाब में जा रहा है. और कुछ ऊपर से बारिश भी हो गई थी तो वो ओवरफ्लो हो रहा है सड़क पर, सारी सड़क भी तोड़ दी है. मतलब स्कूटी तो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है मुझसे, कई बार पापा मुझे छोड़ने गए हैं.
और अब देखा यार हमने दूसरा रास्ता देखा है तो उससे तो थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन वो काफ़ी दूर पड़ता है उस रास्ते से जाना। तो अभी देख रहे हैं कि यार अगर यही रास्ता ठीक हो जाए तो सही रहेगा। तो मैं अभी फ़िलहाल हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, और हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो अभी हो जाएगी, एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगी। आज के दिन मैंने कुछ खास तो नहीं किया, वही सेम दिनचर्या रही है लगभग, बस थोड़ा सा शाम को केक वगैरह काटा है फैमिली के साथ, और थोड़ा सा कुछ खाने पीने चले गए थे। दोस्तों को नहीं बुलाया क्योंकि यार उनको याद ही नहीं रहता आजकल ना, लोग इतने बिज़ी हैं या फिर वो बिज़ी होने का दिखावा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास 2 मिनट का भी टाइम नहीं है कि आप किसी को विश भी कर सको या फिर आप उनके हाल चाल भी पूछ सको। तो खैर ये सारी बातें तो सभी के साथ हैं। पढ़ने के बाद मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए, मम्मी ने बनाए हैं छोले भटूरे जो कि बहुत टेस्टी बने थे, और मुझे फिर से मन कर रहा है कि मैं एक बार फिर से खा लूँ। तो लंच मेरा हो चुका था और फिर मैं फिर से आ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम निकाला जाए उतना कम है मेरे लिए, क्योंकि वर्किंग के साथ आपको पता ही है थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है टाइम की। और 2 घंटे पढ़ने के बाद मैं, मम्मी पापा और मेरी सिस्टर, हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, और ये पार्टी मेरी तरफ से थी, उसकी कुछ फ़ोटोज़ मैंने डाल दी हैं। और पापा को मना कर दिया था कि नहीं आप नहीं करोगे पेमेंट, मैं करूँगी। अच्छा लगता है यार कि अपनी फैमिली को, ज़्यादा बड़ी तो नहीं लेकिन हाँ हम छोटी छोटी खुशियाँ तो दे ही सकते हैं, और आप सभी को भी बहुत खुशी मिलती होगी कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहे हैं और उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। अपने बर्थडे के लिए मैं ही बलून फुला रही हूँ, और ये काम मुझे दिया है मेरे भाई ने कि यार हम खाली नहीं बैठने देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है बलून मैं फुला लेती हूँ, तुम मुझे दे दो बलून। और फिर उसके बाद हमने केक काटा, जो कि अभी ये मेरे बर्थडे का केक है। सिंपल तरीके से मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पिछली वीडियो में आपने मुझे बर्थडे की विशेस दी हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ऐसे ही अपने इस चैनल पर अपने डेली व्लॉग्स डालती रहूँगी, और आप सभी से भी कुछ ना कुछ सीखूँगी, और कुछ ना कुछ आप भी शायद मुझसे सीखेंगे।